एहतजाज रंग ले आया, अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मंजूर। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा कीमतों में बड़ी कमी। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 3 रुपये यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक 5 और जायद यूनिट पर 6 रुपये कीमत होगी। 1 से 300 यूनिट तक कमर्शियल रेट 10 रुपये, 300 से जायद पर 15 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नौसे जानिब आज़ाद कश्मीर में आटे की फीबन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। इलाके में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं, सस्ती बिजली और रोटी के मुतालबात को कोई ज़ीशऊर इनकार नहीं कर सकता। 3100 रुपये फीमन आटे पर 1100 रुपये सब्सिडी दी गई। खजाने पर 23 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा, जिसे वज़ीर आज़म ने खुश दिली से मंजूर किया। मामलात को हल करने के लिए फाश के सरबरा ने अहम किरदार अदा किया। वाज़े है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूँगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा। आइन तोड़ने या मुअत्तल करने वाला संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। मुल्क में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हुकूमत में है भी और नहीं भी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉपी असेंबली में सारे ख्याल। कहा, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। हमारी बहादुर अदलिया खड़ी हो गई, इन जजेस को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में आज आज़ादी इस खारे राय की बहुत फुकदान है। सोशल मीडिया पर एक्स को बंद किया गया। मीडिया पर दबाव है। 9 मई वाकयात और इलेक्शन 2024 पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, 9 मई बहाना था, पीटीआई निशाना था। 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने आनी चाहिए। बेनजीर की शहादत के बाद पूरे मुल्क में तशद्दुद हुआ। 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। क्या कोई गिरफ्तारी हुई? जरूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। सौ चुक के मुकर गया, इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। जो जड़ है सारे शाखसाने की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको पांच के ऊपर। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को जवाब। कहा, शुरू से आज तक आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहला मार्शल और जाली फील्ड मार्शल अयूब खान ने लगाया। अयूब खान की लाश कब्र से निकालें और फांसी लगाएं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की। फ्रंट पर वो लोग हैं जो मजलिस शुरा और मुशरफ के साथ भी थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर माइक देने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, ऑपोजिशन लीडर की तकरीर सबने सुनी, अब आप भी सुने। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज नहीं। शोहदा की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ का GHQ में फौजी जवानों को एजाजात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान शानदार खिदमात पर फौजी जवानों को एजाजात से नवाजा। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमगा बसाला समेत दीगर तमगे अता किए गए। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। हसास और खुफिया मालूमात शेयर करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन की तैयारी। वफाकी हुकूमत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुफिया दस्तावेजात की नुमाइश का नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि हसास मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को ज़िक्र पहुँचा सकता।
दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को शदीद नुकसान हो सकता है। खुफिया मालूमात फैलाने में मुलविस अफराद को 2 साल कैद और जुर्माना होगा। मुस्लिम लीग नून की दाखिली सियासत में बड़ी पेशरफ्त, शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत छोड़ दी, इस्तीफा पार्टी सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया, कायद नवाज शरीफ से गैर मुतजलजल वफादारी के अहद का अयादा, नून लीग की मजलिस आमिला का अजलास 18 मई को तलब, मजलिस आमिला नवाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद करेगी, जनरल काउंसिल 28 मई को नवाज शरीफ की सदारत की तौसीक करेगी। नून ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, बच्चों के हाथ में गुलेलें नहीं दी, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं दिए। मैंने चेयरमैन टेफ्टा को भी कहा है कि जो बच्चे भी पढ़ के निकले उनके लिए होना ये चाहिए कि वो अभी अपने कोर्स के आखिरी मराहल में हों और जॉब्स जो हैं वो उनके लिए पहले से रेडी हों। पंजाब में पहले चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव का इफ्तिताह, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कहती हैं हमने बच्चों को पेट्रोल बॉम्ब फोड़ना नहीं सिखाना। मुस्लिम लीग नून ने बच्चों को गलेले और पेट्रोल बॉम्ब नहीं दिए। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर वुमेन में खिताब, कहा टेफ्टा फ्री कोर्सेज नौजवानों का हक है, किसी का एहसान नहीं। कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा को लैपटॉप देने का जायजा ले रहे हैं। कॉलेज लैब की रिस्ट्रक्चरिंग और रोबोटिक लैब कायम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने तकरीब से पहले तालिबा से मुलाकात की, वापसी पर खड़ी तालिबा को देखकर गाड़ी रोककर सेल्फी बनवाई। उधर पंजाब में प्लग एंड प्ले तर्ज पर पहला गारमेंट सिटी कायम करने का फैसला, वफाकी वजीर चौधरी शाफे की सरबराही में कमेटी कायम, लोकल गारमेंट से मुतालिक इजलास की भी सदारत। टैक्स नादा इंदगान के गिर्द शिकंजा साफ, 100 रुपए बैलेंस करवाने पर सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे, गोशवारे जमा कराने तक नॉन फाइलर्स के 90 रुपए कटेंगे, 90% इजाफे विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला, सिम ब्लॉक होने के बाद नॉन फाइलर्स की नई सिम निकलवाने पर 90% टैक्स देना होगा, 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिमें बंद ना करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर 11,500 से शायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक कर दी गई, एक कंपनी का सिम्स ब्लॉक करने के खिलाफ अदालत से रुजू कायम दिया। उधर वज़ीरे ख़ज़ाना की ज़ेरे सदारत इजलास, 5,70,000 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। IMF मिशन का मुल्की मईशत के लिए उठाए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार, पाकिस्तानी इक्तसादी टीम की IMF के साथ बैठक, कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए इक्तसादी इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक, वफूद पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर मुत्तफिक, तारूफी सेशन में वजीर खजाना ने माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, कहा कर्ज मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आई, पाकिस्तान नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है, आइंदा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, इजलास में बैरूनी अदायगियां बिला ताखीर और बर वक्त करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी, इंडेक्स तारीख में पहली बार 74,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया, कारोबार के अख्ताम पर 713 पॉइंट्स की तेजी, 100 इंडेक्स 73,799 की नई सतह पर बंद। उधर फी तोला सोना 1,200 रुपए सस्ता, कीमत 2,42,300 रुपए हो गई। महंगाई की सताई आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान, डीजल की कीमत में 9.70 रुपए कमी मुतवक्के, ओग्रा 15 मई को सबरी वजारत खजाना को इरसाल करेगी, नई कीमतों का इतलाक मंजूरी के बाद मुमकिन तौर पर 16 मई से होगा। गंदम खरीदारी में गफलत पर वजीर आजम का एक्शन, पास्को के MD और GM प्रोक्यूरमेंट मुअत्तल, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद खरीदारी पर इजलास, कहा खरीदारी अमल को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की जाए, पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की भी हदायत। ब
बानी पीटीआई का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, उसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली, वो इस्तस्ना मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 35 अरब रुपए आए, उस पर 13 अरब मुनाफा भी बन चुका। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, बोले शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करें। उधर सिक्योरिटी खदशात के बायस अडयाला जेल में 3 रोज के लिए मुलाकातों पर पाबंदी, बानी पीटीआई से भी कोई नहीं मिल पाएगा। बल्ले के निशान की बहाली का मामला बिगड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी एतराज कर दिया। पीटीआई को भेजे गए 7 एतराजात साथ में आ गए। पीटीआई के रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 5 साल में नहीं कराए। पीटीआई का इंतजामी ढांचा 5 साल से नहीं, अब बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है? क्यों ना पीटीआई पर सेक्शन 208(5) के तहत कार्रवाई की जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों के अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी, नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत ना देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, कहा उस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। उन हालात में दूसरे लोग जलसा करके चले गए, सब सो रहे थे, कौमी मफाद यह है कि आइन का तहफ्फुज़ हो, आप रिपोर्ट लाकर थमा देते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। मंजूर वटू पीपल्स पार्टी में वापस आ गए। साबिक वजीर अला पंजाब खानदान समेत दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान, बिलावल भुट्टो ने वटू फैमिली को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। मुज़ाकरात मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क कौम के लिए मुज़ाकरात पर रसामंद हुए। आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत को मुस्बत जवाब देना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा किसान गंदम बेचने के लिए रुल गए, टिकटॉक हुकूमत लंबी तान कर सोई हुई है। गलत खबर पर कोई माफी तक नहीं मांगता, बस फोन उठाया और सहाफी बन गए कि हमारे जराए हैं, हम कुछ करते नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंके जाओ। बैरून मुल्क ऐसा होता तो हतक इज्जत में जेबें खाली हो जाती। सहाफियों को हिरासा करने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा टीवी पर बैठकर हमें दर्श दिया जाता है अदालतों को कैसे चलाना है, पहले हम पर बमबारी की जाती है फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना, गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना, तमाम दरखास्त गुजार कमरा अदालत में दरखास्त से मुकर गए। चीफ जस्टिस ने कहा किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल किए, क्या आप बगैर इजाजत दरखास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील से कहा आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं, केस की समाअत जून तक मुलतवी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 7 जून को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी अखराजात का हजम 17 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के, सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। दुबई के बुर्ज खलीफा से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड जल्द छिन जाएगा। कई वर्ष की ताखीर के बाद सऊदी अरब में जद्दा टावर की तामीर दोबारा शुरू। मंसूबे पर 2013 में काम शुरू हुआ, कई साल रुका रहा। टावर की बुलंदी 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, मंजिलों की तादाद 250 होगी।